तो इसकी ना एनालिसिस एक्यूरेसी कर लेते हैं कि क्रैब साइकिल में कितने एटीपी जनरेट होते हैं और किस तरह से हम उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इससे पहले हमने ग्लाइकोलाइसिस को इन डिटेल किया, उनकी एटीपीज की प्रोडक्शन को भी किया। तो इसके साथ साथ जितने भी इसके कहने के सपोर्टिव जो पाथ थे, यानी कि गैलेक्टोज से फ्रुक्टोज से, उसको भी हमने डिस्कस किया, उसके पाथवेज को हमने डिस्कस किया और उसके एटीपी जो प्रोड्यूस होते हैं उनको भी हमने कैलकुलेट किया था। आज हम जो है क्रैब साइकिल को देखेंगे कि यहाँ पे कितने हमें एटीपीज प्रोड्यूस हो रहे हैं और कितने हम उससे हासिल कर सकते हैं एटीपीज। तो इसमें अगर मैं आपको टोटल इसका बताऊं तो एक क्रैब साइकिल जो है उसमें से आपको एक साइकिल जो उसका है, आपको पता है कि ग्लूकोज का जो एक मॉलिक्यूल है जब वो मेटाबॉलाइज होता है तो उसके लिए दो क्रैब साइकिल जो है ना वो चलेंगे, ठीक है जी। और दो क्रैब साइकिल जो है चलने का मतलब ये है कि एक क्रैब साइकिल में 12 ATPs हमें मिलते हैं और दो क्रैब साइकिल के अंदर हमें 24 ATPs मिलेंगे, ठीक है। और इसके अलावा जब हमने इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर हमने पाइवेट से एसिटाइल कोए को बनाया था उस वक्त भी हमें NADH मिला था, ठीक है जी। और दो NADH हमें मिले थे, मीन्स के दो पाइवेट है तो दो NADH मिलेंगे यहाँ पे, क्योंकि आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था कि एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के लिए जो फॉस्फोग्लिसरेट से ऑनवर्ड जितना भी प्रोसेस है वो डबल होगा, डुप्लीकेट होगा, जो भी चीज़ें बन रही हैं और जो चीज़ें निकल रही हैं, रिमूव हो रही हैं, वो डुप्लीकेट में होगा, ठीक है। तो मैं आज आपको बताता हूँ जी कि जो आफ्टर पाइरवेट हमें कितने ATPs मिल रहे हैं, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले शुरू करते हैं जी हम कि जैसे ही पाइरवेट जो है वो आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो क्रॉस करता है तो उसको हम कन्वर्ट करते हैं एसिटाइल कोए में, क्योंकि पाइरवेट डायरेक्टली कैन नॉट पास थ्रू द इंटरनल मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, देयरफॉर वी कन्वर्ट इट इनटू एसिटाइल कोए फॉर फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन एंड फर्दर कन्वर्जन इनटू एटीपीस। सो इन दिस स्टेप दैट इज टेकिंग प्लेस इन द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, हियर वी कन्वर्ट पाइरवेट इनटू एसिटाइल कोए एंड अच्छा, सॉरी फॉर इंटरप्शन जी, ये यहाँ से खत्म क्यों हो गया है, ये डिस्प्ले में क्यों नहीं आ रहा, आ तो रहा है। अच्छा ठीक है, हाँ जी आपको स्लाइड नजर आ रही है ना जो मैंने आपको दिखाया हुआ, ये जो बुक की जो है जी। जी सर, हाँ ठीक है। सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट के वी आर कन्वर्टिंग पाइरवेट इनटू एसिटाइल कोए एंड इन दिस रिएक्शन वी आर गेटिंग आउट निकोटीन एडिनिन डाइनिकोटाइड मॉलिक्यूल एंड एज द रिएक्शन इज डुप्लीकेट एज द नंबर ऑफ पाइरवेट्स आर टू देयरफॉर दिस रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन डुप्लीकेट, मीन्स के हमें दो NADH यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। तो उसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ पे जो मिल रहे हैं, पहले हम ऐसे करते हैं सिंगल का कर लेते हैं, ठीक है ना, सिंगल को करके फिर एंड इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 3 ATPs मिल रहे हैं जी, ठीक है जी, यहाँ पे हमें 3 ATPs हमें यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है जी। इस प्रोसेस के अंदर हमें 3 ATPs हमें मिल गए, ठीक है जी।
अच्छा, इसके बाद जी आगे हम आते हैं, हमें ये ऑक्सैलो स्टेट से कह लें कि रिएक्ट होता है एंड इट प्रोड्यूसेस सिट्रेट। यहाँ पे किसी किस्म का कोई वो नहीं हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, ना कोई चीज में हम कर रहे हैं। तो देन हम आगे आते हैं, अगला रिएक्शन जो है उसके अंदर भी ऐसा ही है, उसके अंदर भी इसको थोड़ा सा छोटा कर दूंगा ताकि ना ये फिर जरा इजी हो जाएगा, फिर इसको करना आपके लिए समझना भी आसान हो जाएगा। थोड़ा सा ऐसे कर लेते, आप इसको दोबारा से मैं ठीक है, आप सही हो गया। तो यहाँ पे हमारे जी 380 हमारे बनते हैं, ये चाहे तो आप बुक पे भी लिख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जी हमारा जो किसी किस्म की परेशानी हो रही, यहाँ पे भी जीरो है, ठीक है जी, जीरो, ठीक है जी, इस प्रोसेस के अंदर भी जीरो है नंबर ऑफ एटीपीज। यहाँ पे आके फिर हमें 380 मिल रहे हैं, ठीक है जी, 380 हमें मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें एक NADH जो है दैट इज इक्वल टू 380, ठीक है, मैंने आपको बताया हुआ है कि 1 NADH जो मॉलिक्यूल है दैट इज इक्वल टू 380, ठीक है, ये हमें यहाँ मिल रहा है। अच्छा, ये इसका मतलब है कि, और एक बात और मैंने आपको बताई थी कि जो जो ये वाले ATPs है ना, ये वाले ATPs इनके ऊपर मैं टिक कर रहा हूँ, ये क्रैब्स साइकिल का पार्ट नहीं है, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ क्रैब्स साइकिल, ठीक है। क्रैब्स साइकिल स्टार्ट स्ट्रेट फ्रॉम ऑक्सैलो एसिटेट एंड कंप्लीट्स ऑन दिस सेम कंपाउंड, यानी कि ऑक्सैलो एसिटेट से ही शुरू होके ऑक्सैलो एसिटेट पे ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो बाहर वाला है ना, ये क्रैब्स साइकिल का हिस्सा नहीं है। अगर आपसे पूछा जाता है कि क्रैब्स साइकिल के अंदर बनने वाले ATPs को बताएं, उनको कैलकुलेट करें कि कहाँ कहाँ पे ये प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो उसमें आपने पाइवेट से एसिटाइल कोए को शामिल नहीं करना, ठीक है। अगर आप शामिल करेंगे तो फिर आपका वो उसमें नंबर कट जाएंगे, क्योंकि ये क्रैब्स साइकिल का पार्ट नहीं है, इट इज ओनली द प्रिपरेटरी फेज फॉर द क्रैब्स साइकिल, ठीक है। क्रैब्स साइकिल आपका ऑक्सैलो एसिटेट से ऑक्सैलो एसिटेट तक ही चलेगा। देन आफ्टर अल्फा कीटोग्लूटरेट, इसमें जैसे बताया था मैंने कि सेम रिएक्शन है, कॉपी ऑफ जो सबसे पहला रिएक्शन में किया था, जहां पे पाइवेट से एसिटाइल कोए में कन्वर्ट किया था, सिमिलरली सेम रिएक्शन है, क्योंकि इसमें भी क्वैश यूज हो रहा है, उसमें भी हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रही है और एक NADH प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारे पास जो है वो 380 मिलेंगे, ठीक है जी, यहाँ पे फिर हमें 380 मिल रहे हैं इस जगह पे, इस सिलेक्शन के अंदर हमें 380 मिलेंगे। और इसके बाद आगे चलते हैं, आगे देखें कि मैंने सक्सिनाइल कोए से जब सक्सिनेट को बनाया था, तो आपको बताया था कि जहाँ पे ना सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन हो रही है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन में हमें 180 मिल रहा था, ठीक है जी, ये एक ATP आपको यहाँ से मिला, तो यहाँ पे आपका 180 प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, 180 आपका यहाँ से प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, यानी कि जो आपको रेडीमेड मिल गया, इसको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, ठीक है। लेकिन जितने भी पहले हुए हैं NADH की फॉर्म में, इनको हम कर सकते हैं डायरेक्ट यूज, बताइएगा जरा, ये जो NADH की फॉर्म में प्रोड्यूस हो रहे हैं, इनको हम यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं NADH को हम एज एनर्जी सोर्स? नो सर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे इसको इस्तेमाल? वेरी गुड, शाबाश, ठीक है। तो ये बाबा मैं इसलिए रिपीट करता हूँ ताकि आपके जेन में ना ये चीजें बैठ जाएं, आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो जितने भी NADH हैं, दे कंटेन इलेक्ट्रॉन्स, ये आपने बात याद रखनी है, ठीक है ना। जब हम उसमें हाइड्रोजन को ऐड करते हैं ना, तो हाइड्रोजन के साथ ना इलेक्ट्रॉन्स भी शिफ्ट होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आते हैं भला, कहाँ से आते हैं इलेक्ट्रॉन्स जी? हाँ जी, इलेक्ट्रॉन कहाँ से आते हैं? हाँ जी, हाँ जी, इलेक्ट्रॉन कहाँ से आते हैं भाई, नहीं पता, कमाल है।
आप एफएससी में मैट्रिक में केमिस्ट्री पढ़ के नहीं आए? हाँ जी वो जो बॉन्डिंग पढ़ी होगी आपने, आयनिक बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्डिंग, क्या होती है वो भाईजान? किसी को पता नहीं है? बड़ी अजीब बात है यार, आपकी वजह से एफएससी वापस लेने की डिग्री क्या आपने कैसे कर ली? आपको पता ही नहीं है इस चीज के बारे में कि जब रिएक्शन होता है तो इलेक्ट्रॉन कैसे शिफ्ट होते हैं एक से दूसरी जगह पे। किसी को पता नहीं है, यानी कि इस वक्त 90 स्टूडेंट्स मेरे पास हैं, 90 में से किसी बंदे को पता नहीं है कि ये कैसे इलेक्ट्रॉन जो है ना आते हैं और इसमें सारा कुछ स्टोर होते हैं एनएडीएच के अंदर। सर यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होंगे। हाँ तो यही मैं पूछ रहा हूँ कि जब आप देखे ना एक कंपाउंड दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है ना, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, इलेक्ट्रॉन्स उसमें या गिव करने का या गिव एंड टेक होती है, ठीक है ना, इसी को रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो वो जो अब इसी बार कंपाउंड में से निकलेंगे वो इलेक्ट्रॉन, यानी जो जो कंपाउंड कन्वर्ट हो रहा है ना, यही जो सिट्रेट वाला है, ऐसे सिट्रेट है, ये कन्वर्ट हो रहा है किसी दूसरी फॉर्म में, तो यही इलेक्ट्रॉन्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे ऐसे सिट्रेट जो था वो एल्फा कीटो ग्लूटारेट में कन्वर्ट हुआ, तो उसका मतलब ये है कि इसने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, इसने इलेक्ट्रॉन्स गिव अवे किए हैं, और वो जो इलेक्ट्रॉन उसने गिव अवे किए हैं ना उनको एब्जॉर्ब कर लिया है किसने? एनएडीएच ने, ठीक है ना, और एनएडीएच में वो स्टोर हो गए हैं, ठीक है ना, और एनएडीएच को हम लेके जाएंगे उस जगह पे जहां पे हमने इन इलेक्ट्रॉन्स को इस्तेमाल करना है। वो कौन सी जगह है पे जहां पे इन इलेक्ट्रॉन्स को हमने इस्तेमाल करना है? फिर खामोशी हो गई। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। हाँ जी, तो फिर कंफ्यूजन से क्यों बोल रहे हैं? स्ट्रेट फॉरवर्ड बोले, हाँ जी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएंगे और वहां पे जाके फिर हमें इसकी जो है वो एनर्जी हासिल करने का मौका मिलेगा, ठीक है, वो बाद में बताऊंगा। अभी चला फिलहाल मैं रिपीट करने का मकसद ये होता है कि आपको बार बार चीजें ना जहन में आ जाए। तो एटीपी एक हमें मिला यहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन से, और ये हम इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं फॉर आवर जनरल नीड्स, ठीक है, और इसके बाद जो है जो सक्सीनेट है वो फ्यूमरेट में कन्वर्ट होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे आपको बताया था मैंने कि एक जो एंजाइम यूज कर रहे हैं वो सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है, और इसके लिए जो कंपेटेबल कोएंजाइम है वो है जी फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, जो कि जैसे ही सक्सीनेट जो है वो फ्यूमरेट में कन्वर्ट होगा तो इलेक्ट्रॉन्स को गिव अवे करेगा, ठीक है ना, तो वो इलेक्ट्रॉन जो ना वो एफ ए डी एच जो ना वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है ना। और लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि जो एफ ए डी एच जो है उसका एक मॉलिक्यूल जो ना वो हमें 2 ATPs देगा, नॉट मोर देन 2 ATPs, इट विल गिव अस 2 ATPs, ठीक है जी। और इसकी वजह मैं आपको जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हम करेंगे ना तो तब आपको मैं बताऊंगा, अभी अगर बताऊंगा तो शायद आपको कंफ्यूजन हो जाए, इसलिए इसकी जो मेन वजह है वो इंशाल्लाह हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हम करेंगे, ठीक है ना। इसकी मैं थोड़ी सी आपको हिंट दे देता हूँ कि होता ऐसा है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ना उसमें डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस हैं, ठीक है ना, डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स को और हर कॉम्प्लेक्स जो ना पहले कॉम्प्लेक्स से वो बाद में इनके सीक्वेंस से पड़ा हुआ है, इनके कॉम्प्लेक्स नंबर अगर 1 है तो सबसे जरा हायर प्लेस पे पड़ा हुआ है, कॉम्प्लेक्स नंबर 2 उससे लोअर प्लेस पे पड़ा हुआ है, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 उससे भी लोअर प्लेस पे पड़ा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो है ना वो कॉम्प्लेक्स नंबर 1 से सीक्वेंस में नीचे 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 आएंगे, ठीक है ना। तो इसमें मेन वजह क्या होती है कि आपका जो एफ ए डी एच है ये अपने इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर 1 को नहीं देता बल्कि कॉम्प्लेक्स नंबर 2 को देता है, यानी कि एक कॉम्प्लेक्स लोअर प्लेस पे, ठीक है। जैसे आप पोटेंशियल एनर्जी की बात अगर करते हैं, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, कोई बंदा बताएगा मुझे? सर ऐसी एनर्जी जो पोजीशन की वजह से आती है, बिल्कुल पोजीशन चेंज होने की बिल्कुल वजह से। ठीक हो गया। अच्छा अब आपको मैं कहता हूँ जी कि आपके पास एक गेंद है, ठीक है ना, आप एक ऐसी बिल्डिंग में जाते हैं जिसकी 5 मंजिलें हैं, ठीक है, जिसकी 5 मंजिलें हैं। अच्छा आप अगर उस बॉल को उठाकर पहली मंजिल में लेके जाते हैं, इसी तरह से उसी तरह की बॉल को आप दूसरी मंजिल पे, तीसरी, चौथी, पांचवी,
तो आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं कि किस बॉल में ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी? सर वन वाले में, वन वाले पे, यानी कि फर्स्ट फ्लोर वाले में, फिफ्थ वाले में, फिफ्थ वाले में, यस फिफ्थ वाले में, यस सर फिफ्थ वाला फ्लोर जो सबसे ऊपर होगा। हाँ जी, या सोच के दिया करें ना आंसर, पोजीशन की वजह से होती है ना एनर्जी, ठीक है ना। तो ये मतलब ये कहने का, जितना वो हायर प्लेस से पड़ा हुआ है उसमें उतनी ज्यादा एनर्जी है वो, ठीक है ना। तो इसी तरह से हमारे जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, हमारे पास जो डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस हैं एडीसी के अंदर, वो भी अभी क्लास हो रही है, मैं बाद में आपको करूँगा, ठीक है ना। अभी क्लास में 11:45 खत्म हो गया लेक्चर, ठीक है ना। आपने 11 बजे का मुझे कहा था, 11 बजे आओ, पहले क्यों आ गए हो चौके मुँह? ना ना ना, 11 बजे आना पूरे। अच्छा जी, तो मैं क्या कह रहा हूँ जी कि जो बिल्डिंग है उसमें आपने पोटेंशियल एनर्जी मतलब आपने क्या किया, बॉल लेके आए थे, और बॉल जो है आप फिफ्थ प्लेस पे जो ले गए उसमें सबसे ज्यादा एनर्जी स्टोर हुई है, और जो जो फर्स्ट फ्लोर पे है उसकी कम है, वजह क्या है उसकी पोजीशन। लाइकवाइज इसी तरह से बिल्कुल जेन में आप एक चीज बैठा लें कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में भी ना इसी तरह से कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है। कि अगर इलेक्ट्रॉन्स को आप 5वीं मंजिल से नीचे लेके आएंगे ना, गिराएंगे, तो वो ज्यादा एनर्जी देंगे। इसी तरह से 2वीं मंजिल से अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को नीचे लेके आएंगे तो वो कम एनर्जी देंगे। मेरी बात समय लग रही है सारों को? अगर समय नहीं लग रही तो मुझसे पूछ ले दोबारा। समझ आ गई सर? ठीक है, तो हाँ जी, हाँ जी, अभी बात किसी ने बोली है, बोलो। चलो कुछ नहीं पूछना। अच्छा, तो वही बात है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है ना उसका अंदर जो है ना कॉम्प्लेक्स नंबर 2 के अंदर जाके ये ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉन्स को, FADH। इसी वजह से हमें नंबर ऑफ ATPs कम मिलते हैं, इसकी वजह से, क्योंकि इसने कम इलेक्ट्रॉन्स वो देने हैं, यानी कि वो जो एनर्जी देनी है ना, इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन तो उतने देगा लेकिन एनर्जी कम प्रोड्यूस होगी, ठीक है ना, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर 2 पे इसने इलेक्ट्रॉन्स को दिया था, ठीक है ना। जबकि NADH जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर 1 पे ट्रांसफर करता है अपने इलेक्ट्रॉन्स को, और जब इलेक्ट्रॉन्स को हम कॉम्प्लेक्स नंबर 1 से ऑनवर्ड्स नीचे नीचे लेके आते हैं ना, तो उससे ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अच्छा, ये हो गया। इसके बाद अगला जो रिएक्शन है जिसमें हम ना ये फ्यूमरेट से मलेट में कन्वर्ट कर, इसमें भी जीरो एनर्जी, क्योंकि सिर्फ इसमें वाटर ऐड किया था, वाटर ऐड किया था फॉर फैसिलिटेटिंग दी केमिकल रिएक्शन, ठीक है, हम इसमें वाटर ऐड कर दिया था और ये हमारा मेलेट बन गया था। और फिर जब रिएक्शन फैसिलिटेट हुआ तो उसमें से फिर हमें NADH मिला। तो इसका मतलब है यहाँ पे भी हमारे पास जो है वो 3 ATPs जो हैं वो मिल गए, ठीक है जी, 3 ATPs यहाँ पे भी आपको मिल रहे हैं। अब जरा इसको आप प्लस कर दीजिएगा कि क्रैब्स साइकिल खाली जो है उसमें आपको कितने ATPs मिल रहे हैं। देखिए जरा गौर से मुझे बताइएगा कितने कितने मिल रहे हैं? 12, 15 का माल है, अभी मैथ रहता कमजोर हो गया, केमिस्ट्री के साथ साथ मैथ, हाँ जी 12, ठीक है ना। तो एक आपका जो है, एक क्रैब्स साइकिल जो है ना उसके अंदर आपको कितने मिले? 12 मिल रहे हैं। ये ऊपर जो 3 है ना, ये वाले 3 ये इसका हिस्सा नहीं है, ये दिस इज नॉट पार्ट ऑफ क्रैब साइकिल, ये क्रैब साइकिल से नीचे नीचे है, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक क्रैब साइकिल के अंदर हमें 12 मिलते हैं, और एक ग्लूकोज के लिए कितने क्रैब साइकिल चलेंगे जी? 2 चलेंगे, 2। एक ग्लूकोज से कितने पाइरूवेट मिलते हैं? 2 पाइरूवेट। हाँ जी, एक ग्लूकोज से कितने लैक्टेट मिलते हैं? 2। हाँ जी, सही तरह बोले, ऊंचा बोले हैं, मुझे समय आवाज आए। हाँ जी, एक जैसे 2 लैक्टेट मिलते हैं, ठीक है। और एक ग्लूकोज से कितने फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनते हैं? हाँ जी, एक ग्लूकोज से कितने फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनते हैं? बोले हैं 2 बनते हैं, कितने बनते हैं जी? आप फिर चुप कर बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक ग्लूकोज से कितने DHAP बनते हैं? 1 से 1 ही बनता। और एक जो आपका लैक्टोज है, ठीक है जी,
गैलेक्टोज से कितने आपके वो बनते हैं ग्लूकोज 1-फॉस्फेट 1 बनता है ग्लूकोज 1 को ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट करने के लिए क्या एंजाइम कौन सा इस्तेमाल करते हैं? हाँ जी ग्लूकोज 1 को ग्लूकोज 6 में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम यूज करेंगे? ओके हो गया ना। तो ये जरा मैं इसको रिवाइज कर रहा था आपको ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि आपको इसमें है। चलिए जी, अब हमने क्लियर कर लिया कि क्रैब साइकिल में हमें 12 ATPs मिल रहे हैं और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में हमें 3 ATPs मिल रहे हैं फ्रॉम 1 pyruvate। ठीक है, इस तरह से अगर हम कहते हैं कि एक ग्लूकोज में से, ठीक है ना, एक ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है वो टोटल क्रैब साइकिल में कितने देगा ATPs बताइएगा। अब 24 बिल्कुल सही है। 1 ग्लूकोज जो है, बल्कि मैं इसको नीचे ले आता हूँ, वो ऑलरेडी यहाँ पे ना कैलकुलेशन हुई हुई है आपकी बुक जो है, इसी को अगर आप देखेंगे तो उसमें कैलकुलेशन हुई हुई है, मैं उसकी तरफ जा रहा हूँ आपको लेके। वैसे तो मैं व्हाइट बोर्ड पे सारा कुछ करना था लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस में यही मसला है कि इस तरह के जो कोर्सेज होते हैं, जो मेरे पास ये है कोर्सेज मेटाबॉलिज्म का, इसका पढ़ने का जो मजा है वो लाइव सेशन में होता है कि व्हाइट बोर्ड हो सामने, उसमें आप हर चीज अपने हाथ से ड्रॉ करें, कैलकुलेशंस को वहाँ पे मेंशन करें, तो फिर ज़्यादा मजा आता है। अब इसमें मजबूरी है मुझे कि आपकी जो है ना बुक को ही कंसल्ट करना पड़ेगा। ठीक है जी। अच्छा तो एनीवेज जी यहाँ पे देखिएगा, हाँ क्या कह रहे जी, हाँ जी बोले क्या कहा आपने? मंडे से यूनि ओपन हो रही है, यूनिवर्सिटी ओपन हो, अच्छी बात है, मैं तो कहता हूँ हो जाए, अच्छी बात है, हमें बस नोटिफिकेशन भी आया नहीं, कोई हो जाए तो अच्छी बात है, मैं तो कहता हूँ हो जाए, हम खुद चाहते हैं इसी बारे में कि ओपन होनी चाहिए। तो चले जी, तो कहने का मतलब ये है कि हमने अभी बात की है ये वाली, ठीक है ना, यहाँ पे आपके जी ये आप स्टेप नंबर 3 पे देखें तो ये आपके NADH आपका प्रोड्यूस हुआ था, वही वाला जो पाइवेट से एसिटाइल कोए है हुआ, ठीक है ना, तो ये 6 बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि डुप्लीकेट हुआ। यहाँ पे उसने क्या कहा जी कि जो क्रैब साइकिल है, ठीक है, वहां पे 12 × 2 इनके 24 ATPs हमें मिले हैं। ठीक है, इससे पहले जो हमने ग्लाइकोलाइसिस के अंदर हमने किया था, ठीक है जी, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर जो हमने प्रोड्यूस किए थे उसमें ये अगर आप देखते हैं तो वहां पे हमने एरोबिकली कितने प्रोड्यूस किए थे, 8 किए थे, ऐसे ही है ना, 8 ATP कितने कितने वाला बताइएगा दोबारा, 8 किए थे, 6 किए थे, 8 हुए थे एरोबिकली, हमने 8 किए थे। ठीक है, अब उन सारों को अगर आप टोटल करते हैं, ठीक है ना, तो आपके पास जो है ना वो 38 ATPs मिलेंगे। ठीक है, 38 ATPs आपको जो मिलते हैं वो जो है आपके, ये देखिए यहाँ पे लिखा 38 ATPs और जो इक्वल होते हैं जी 262.8 kcal के। ठीक है, 262.8 kcal के इक्वल होते हैं, जो के बनता है आपका 40% ऑफ टोटल एनर्जी रिलीज्ड, मतलब जो आपकी टोटल एनर्जी निकली है उसका 40% है, 60% जो है जो बनती है 394 kcal वो हमारी जो है ना वो लॉस हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट और अदर प्रोसेस। ठीक है, अब यहाँ पे आप सुन के हैरान हो रहे होंगे कि जी ये 262 kcal कैसे हो सकती है, क्योंकि हमने तो पढ़ा हुआ है कि ग्लूकोज का जो एक मॉलिक्यूल है
वो 4 किलो कैलोरी देता है, ऐसे है कि नहीं, आपने पढ़ा हुआ ना? यस सर, ठीक है ना। तो ये हम बात कर रहे हैं एक मोल की, ठीक है, यानी कि ग्लूकोज का जो एक मोल है, मोल जो होता है वो हम ग्रामों में उसको लेते हैं ना, उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है उसको लेके, तो ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर वेट कितना है भाईजान? हाँ जी, किसी को पता नहीं है, बोले सर 180। C6 होता है ना, H12 होता है, ऐसे ही ना। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? इसके आपको मिल रहे हैं, ठीक है ना, ग्राम का होगा एक मोल जो है आपका, एक ग्लूकोज का जो मोल है कितने ग्राम का हो गया? 180 ग्राम, ठीक है ना। तो 180 ग्राम का एक मोल हो गया। तो ये यहाँ पे जो कैलकुलेशन कर रहे हैं, या देखिए ना, ये इधर गौर कीजिएगा, यहाँ पे उन्होंने मोल लिखा हुआ है, ऐसे ही है ना, मोल, ठीक है, मोल ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। तो उसी रेफरेंस से अगर आप देखते हैं 180 को मल्टीप्लाई करें जरा आप 4 के साथ, कितना बनता है भाई 180 को 4 से मल्टीप्लाई करें कितना आता है? 720। हाँ जी 720। हाँ जी 180 और 720 बन गया, ऐसी ना। तो यहाँ पे जो मैंने आपको एनर्जी बताई है कितनी बताई है देखें, 262 एक है, 262.8, ठीक है, प्लस 394 एक है, ठीक है ना। तो वो भी राउंड अबाउट जो है ना वो उसी फिगर पे जाके मिलती है जो कि 700 के करीब चला जाता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो लॉस एनर्जी ना, इसको हम ना एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते, लेकिन हम इसको रफ एस्टिमेट जरूर कर लेते हैं। वैसे भी ये जितनी भी आपकी होती है ना, जो जिसे कहते हैं प्रैक्टिकल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड, आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में कि थ्योरेटिकल यील्ड हमेशा ज्यादा होती है, प्रैक्टिकल यील्ड हमेशा कम होती है। सुना हुआ कि नहीं सुना हुआ? हाँ, इसीलिए, क्योंकि प्रैक्टिकल जब आप उसका करते हैं ना, प्रैक्टिकल वो यानी कि प्रैक्टिकली जब कोई रिएक्शन होता है उस वक्त कुछ ऐसे इनएविटेबल प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं कि जिनके अंदर से एनर्जी को कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ पे 1 मोल ऑफ ग्लूकोज की बात कर रहे हैं, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज की, ठीक है। तो इसको आपने दोबारा से वैसे करके भी देखना है, तो हमारी बॉडी जो है, जो अगर आप सेहतमंद बंदा है, सेहतमंद बंदा जो होगा वो 1 मोल ऑफ ग्लूकोज से 40% एनर्जी हासिल कर सकेगा, और जो 40% जो है ना, दैट इज इक्वल टू 262.8 किलो कैलोरीज, ठीक है ना। तो ये वो एनर्जी इसमें से हासिल कर सकता है, जिसको हम यूज कर सकते हैं अपनी बाकी जितनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए, ठीक है जी। यहाँ तक किसी को कन्फ्यूजन है तो आप मेरे से अभी पूछ सकते हैं। हाँ जी, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ओके है? एक्सक्यूज मी सर, जी सर, ये 38 ATPs कैसे टोटल किए थे आपने, वो बता दें दोबारा। 24, अब करते हैं आप जरा, 24 बने थे आपके क्रैब साइकिल में, ऐसे ही है, 6 बने थे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, ठीक है, ऐसी है ना, 6 बने थे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में जहां पे पाइरुवेट से एसिटाइल कोए, और बाकी 8 कहां बने थे, ग्लाइकोलिसिस में, कितने हो गए? 38। थैंक यू सर। अच्छा जी, अच्छा, इसके बाद ही एक प्रोसेस था जो मैंने आपको बताया था, फिलिंग अप प्रोसेस। फिलिंग अप प्रोसेस क्या होता है? फिलिंग अप प्रोसेस ये होता है कि ये हमारा जो क्रैब साइकिल है ना, ये थ्रू आउट कंटिन्यू रहेगा, लेकिन कभी ये फास्ट होगा, कभी स्लो होगा। क्रैब साइकिल को फेवर करता है हमेशा एरोबिक एनवायरनमेंट। अगर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी ज्यादा है तो उसको ज़रा फैसिलिटेट करता है और ये ज़रा फास्ट करेगा काम।
लेकिन जैसे ही एनरोबिक फेज आती है तो क्रैब साइकिल जो है ना वो स्लो डाउन होना शुरू होता है। इसका मतलब ये होगा कि क्रैब साइकिल की जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का कन्वर्जन है रेट है वो भी स्लो हो जाता है, और रिजल्टिंगली जो उससे हमें ऑक्सैलो एसीटेट रीजनरेट हो रहा है वो भी कम अमाउंट में रीजनरेट होगा, ठीक है। लेकिन एनरोबिक के अंदर ग्लाइकोलाइसिस तो चलता रहता है, ठीक है ना। ग्लाइकोलाइसिस में ये होता है कि पाइरूवेट की तरफ नहीं जाता बल्कि लैक्टेट की तरफ जाना शुरू कर देता है, ठीक है ना। लेकिन जो आपका क्रैब साइकिल है ये स्लो डाउन हो जाता है, खत्म नहीं होगा, स्लो डाउन हो जाएगा, चलता रहेगा, लेकिन उससे बनने वाला जो ऑक्सैलो एसीटेट है वो कम अमाउंट में बन रहा होगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब ऐसी पोजीशन है बॉडी की कि बॉडी जो है वो एनरोबिक फेज से दोबारा एरोबिक फेज में आना चाह रही है, मतलब ऑक्सीजन दोबारा से। आपने कभी गौर किया हो, आप भाग रहे हैं, ठीक है ना, भागते वक्त आपको सांस चढ़ जाता है, ठीक है ना। इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में ना एनरोबिक फेज शुरू होना शुरू हो गई है, ठीक है। लेकिन जैसे सांस चढ़ता है तो आप अपनी स्पीड को क्या करते हैं, स्लो करना शुरू करते हैं, ऐसा उसकी वजह से आपका सांस फिर बहाल होना शुरू हो जाता है, ऐसे ही है ना। तो यही काम होता है, बॉडी भी स्विच करती है अपने आप को बिटवीन एरोबिक एंड इन एनरोबिक फेज, कि कभी ऑक्सीजन मिल रही है, कभी कम मिल रही है, कभी ज्यादा मिल रही है, तो उसके अकॉर्डिंगली बॉडी अपने आप को रीएडजस्ट करती है, रीएडजस्ट करती है। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं आप? यस सर। हाँ, नहीं तो अभी भाग के देखना शुरू कर दे अपने आप को, ठीक है ना, कि पहले तेज भागे, सांस चढ़ना शुरू हो जाएगा, जब बिल्कुल सांस बहुत तेज हो जाए तो फिर आप स्लो डाउन हो जाए तो फिर फील करेंगे कि आपका फिर, तो वही काम होता है कि आपकी जो एरोबिक फेज है, ठीक है ना, वो आपकी दोबारा से अपने आप को मेंटेन करने की कोशिश करती है, और अल्टीमेटली जो है ना आपकी बॉडी जो है ना वो ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करती है थ्रू क्रैब साइकिल। अच्छा, अब ये वाला काम हो गया कि बंदा जो है ना एनरोबिक फेज से एरोबिक फेज में आना चाह रहा है, मतलब उसके अंदर ऑक्सीजन दोबारा से बहाल हो गई। अब लेकिन प्रॉब्लम ये है, उस वक्त ये होगा कि आपका जब एरोबिक फेज होगा तो आपका जो शिफ्ट होगा लैक्टेट नहीं बनेगा बल्कि पाइरूवेट बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना, और पाइरूवेट बहुत ज्यादा बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है, और पाइरूवेट ने कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा कहाँ पे, एसिटाइल कोए में, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि जो ऑलरेडी जो एसिटाइल कोए है उसने किससे मिलना वाला, एसिटाइल कोए ने किससे मिलना जाके, ऑक्सैलो एसीटेट से। जी, और ऑक्सैलो एसीटेट के साथ मसला ये हुआ है कि एनरोबिक फेज में क्रैब साइकिल स्लो होने की वजह से आपका ऑक्सैलो एसीटेट जो है ना वो कम बन रहा है। अब क्या करेंगे, एसिटाइल कोए ज्यादा है, ऑक्सैलो एसीटेट कम है, ठीक है ना, ऑक्सैलो एसीटेट ज्यादा कम है और एसिटाइल कोए ज्यादा बन रहा है क्योंकि पाइरूवेट ज्यादा बन रहा है क्योंकि एरोबिक फेज शुरू हो गई, ठीक है। आप क्या करेंगे, मसला ये होता है कि जो सिट्रेट बनना है ना, जो सिट्रेट बनना है उसके लिए हमें दोनों की एक एक मॉलिक्यूल चाहिए रात में, लेकिन इस केस में क्या है, हमारे पास एसिटाइल कोए ज्यादा है और ऑक्सैलो एसीटेट कम है। इसका मतलब ये होगा कि जितने ऑक्सैलो एसीटेट हमारे पास अवेलेबल हैं उतने ही सिट्रेट बन सकेंगे ना, एसिटाइल कोए जितना मर्जी बनता जाए। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं आप? Yes. ठीक है ना, तो इस तरह के मसले को हल करने के लिए एक प्रोसेस है, उसे हम कहते हैं फिलिंग अप प्रोसेस, क्योंकि अब हम इसको फिल अप करना शुरू करेंगे ना, कि ऑक्सैलो एसीटेट की जो कमी है उसको पूरा करेंगे, ठीक है ना, ताकि हमारा जो प्रोसेस है वो फास्ट हो जाए, ठीक है ना, ताकि हमारी एनर्जी की जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा हो जाए, ठीक है ना। तो उसी के लिए ये फिलिंग का प्रोसेस होता है जिसे हम एनापिलोटिक प्रोसेस भी कहते हैं, ठीक है ना, एनापिलोटिक प्रोसेस भी कहते हैं। इसमें सिंपली क्या होता है कि एक एंजाइम है जो पाइरूवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम है, वो जो है क्या करता है कि वो जो आपका पाइरूवेट है, ये वाला रिएक्शन आपके बुक में दिया हुआ है, वो पाइरूवेट को डायरेक्टली ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट कर देता है, यानी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड कर देगा, कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करेगा तो वो ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट हो जाएगा। एंजाइम का नाम है पाइरूवेट कार्बोक्सिलेज, और यहाँ पे एटीपी यूज होगा, लेकिन सिर्फ एटीपी की जो है ना बॉन्ड एनर्जी हम यूज करते हैं, उसको उसको तोड़ के उसकी सिर्फ एनर्जी हम यूज करते हैं, उसका हम फॉस्फेट को हासिल नहीं शामिल करते। यहाँ पे देख रहे होंगे आप कि यहाँ पे जो एडीपी है और साथ पीआई है,
क्योंकि जो फॉस्फेट है ना इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्रोड्यूस हुई है, फॉस्फेट हमने इसके अंदर शामिल नहीं किया, ठीक है ना, सिर्फ उसकी एनर्जी को यूज किया है कार्बन डाइऑक्साइड को अटैच करने के लिए, जिसकी वजह से हमारा ऑक्सैलो स्टेट बन गया। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं जी? यस, ठीक है ना। यस सर, तो इस तरह से क्या होगा कि जो हमारा पाइरवेट होगा उसको हम ना ऑक्सैलो स्टेट में कन्वर्ट करना शुरू कर देंगे। इस तरह से क्या होगा कि हमारा जो 1:1 रेशियो है ना वो बहाल हो जाएगी फॉर ऑक्सैलो एसीटेट एंड एसिटाइल कोए, ठीक है। और जब 1:1 रेशियो बहाल हो जाएगी तो हमारा जो क्रैब्स साइकिल है वो भी फास्ट होना शुरू हो जाएगा। अब मेरी बात समझ आ गई आपको मैंने क्या कहा? हाँ जी यस सर, ठीक है जी। तो ये आपका फिलिंग का प्रोसेस था, मैंने इसको आपको क्लियर कर दिया। अगर कुछ ना समझ ज्यादा तो आ दीजिएगा, ठीक है। तो ये इसका एक मैंने आपको पूरा ओवरव्यू दे दिया है, बाकी इसको एक बार पढ़ के भी देख लीजिएगा, जो बातें मैंने कही हैं वो सारी इसमें लिखी होंगी। तो आज के लेक्चर में इतना ही इंशाल्लाह करते हैं, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में लेके जाएंगे। नेक्स्ट वीक में आपको ना मैंने करवानी है शटल सिस्टम को आना है, तो दो शटल होती हैं ग्लिस्टोल 3-फॉस्फेट शटल और मैलेट अस्पार्टेट, ये दो शटल का काम होता है कि जो साइटोप्लाज्म के अंदर हमने एनएडीएच प्रोड्यूस किए थे। साइटोप्लाज्म में एनएडीएच किसने प्रोड्यूस किए थे, कौन से प्रोसेस ने प्रोड्यूस किए थे, बताएगा बंदा? हाँ जी सर, ग्लाइकोलाइसिस ने प्रोड्यूस किए थे। वो ग्लाइकोलाइसिस वाले जो एनएडीएच है ना उनके इलेक्ट्रॉन्स को हमने लेके आना है, उनके इलेक्ट्रॉन्स को लेके आना है अलोंग विद हाइड्रोजन, ठीक है ना। कहाँ पे लेके आना है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर, ठीक है ना। उसके लिए हमने शटल चलानी है, ठीक है ना। एनएडीएच जो है बना था उसके अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन स्टोर हुए हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को हमने शिफ्ट करना है कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रियल जो जो इनर मेम्ब्रेन है उसके अंदर। ईटीसी कहाँ पे होती है, मैंने बताया था ईटीसी कहाँ पे होती है, ईटीसी कहाँ होती है भाई जान बोलो सर, माइटोकॉन्ड्रियल जो इनर मेम्ब्रेन में, माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन में, ठीक है जी। और क्रैब्स साइकिल कहाँ पे होता है, टाइम एक मिनट से भी कम रहेगा, जल्दी बोलो। और बीटा ऑक्सीडेशन कहाँ होती है, बीटा ऑक्सीडेशन कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में ना अपने क्विज के लिए